चलिए, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी में हमने कॉइन के क्वेश्चन भी देख लिए, डाइस के भी देख लिए, अब थर्ड वैरायटी है वो सिलेक्शन है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, इफ 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, 1 बॉय एंड 2 गर्ल्स, ऑल आर बॉयज। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ऐसे जब भी क्वेश्चन सिलेक्शन के हो तो लेट यू बी द सैंपल स्पेस, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सिचुएशन को लिखो। जैसे कि गिवन, यू हैव बीन प्रोवाइडेड अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। तो 10 बॉयज 5 गर्ल्स मतलब हमारे पास टोटल 15 है। अब इनमें से आपको सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करने के बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 गर्ल 1 बॉय या 1 बॉय 2 गर्ल्स, जो भी है उस हिसाब से। तो जिसकी इसके बाद सीधा रिक्वायरमेंट पे आ जाइए, सीधी प्रोबेबिलिटी पे आ जाइए। क्या है प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, तो मैं लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉयज एंड 1 गर्ल आर सिलेक्टेड, ठीक है। जिसकी प्रोबेबिलिटी है उसको इवेंट बना देते हैं। लेट इवेंट ए 2 बॉयज एंड 1 गर्ल आर सिलेक्टेड। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ यू क्या है, ए के ऑप्शंस, ऐसे ऑप्शंस नहीं लिखेंगे। यहां आप डायरेक्टली अल्टीमेटली आपको करना क्या है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो देखो, तो डायरेक्टली मैं प्रोबेबिलिटी ही लिखूंगा। ऐसे केस में क्या होगा, फेवरेबल मतलब 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, बॉयज कितने हैं 10, 10 में से 2 का सिलेक्शन कितनी तरीके से कर सकते हैं, तो आप बोलोगे 10C2। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा हुआ है कि 10 में से 2 का सिलेक्शन को हम बोलेंगे 10C2। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, और एक गर्ल को भी, गर्ल्स कितनी है 5, 5 में से 1 गर्ल का सिलेक्शन मतलब 5C1। ये है टोटल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। ये हमारे 2 बॉयज और 1 गर्ल के सिलेक्शन के ऑप्शंस हुए। हाँ, टोटल ऑप्शंस कितने हैं, टोटल तो आप 15 में से किसी भी 3 को लो, वो टोटल पॉसिबल आउटकम है। तो फेवरेबल के लिए ये न्यूमरेटर, टोटल के लिए डिनोमिनेटर क्या होगा, 15 में से किसी भी 3 को सिलेक्ट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, 10C2 का मतलब है 45, 5C1 का मतलब है 5, 45 × 5 मतलब मैं लिखूंगा 225, और 15C3 के लिए आंसर आ रहा है 455। सर आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, ऑफ कोर्स कैलकुलेट करना पड़े तो वो रफली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं इसका वर्किंग यहां पर आपको बता रहा हूं, बाकी के क्वेश्चन में हम वर्किंग डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए क्या है कैलकुलेशन वो देख लेते हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन हमने जो किया वो 10C2, 5C1 और 15C3। चलिए बाद में मैं ये पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा, पहले क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है 1 बॉय एंड 2 गर्ल्स आर सिलेक्टेड। तो लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉय एंड 2 गर्ल्स आर सिलेक्टेड। ओके, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी है उसको पहले इवेंट बना दो। लेट इवेंट बी 1 बॉय एंड 2 गर्ल्स आर सिलेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा,
वन बॉय, बॉय कितने हैं 10, 10 में से एक मतलब 10C1। टू गर्ल्स, 5 में से 2 का सिलेक्शन मतलब 5C2 डिवाइड बाय 15C3। ये टोटल पॉसिबल, 10C1 का मतलब 10, 5C2 का मतलब भी 10, 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 455। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? थर्ड रिक्वायरमेंट है ऑल बॉयज आर सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉयज आर सिलेक्टेड। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी है उसको पहले इवेंट बना दो, सो लेट इवेंट सी ऑल बॉयज आर सिलेक्टेड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बॉयज कितने हैं, बॉयज 10 है, तो 10 में से ही 3 को सिलेक्ट कर दो। तो गर्ल में से तो किसी को सिलेक्ट नहीं करना है लेकिन वो लिखने हैं हमें, मतलब ये 5 में से 0 किसी का सिलेक्शन नहीं करना है, मतलब नो सिलेक्शन, जीरो सिलेक्शन, टोटल 15C3। हम हमेशा ये चेक करेंगे कि ये 10, 5, 15 और 3, 0, 3 ये मैच होगा, जैसे कि 10, 5, 15 और 2, 1, 3, 10, 5, 15, 1, 2, 3, 10, 5, 15, 3, 0, टोटल 3 हम लिखेंगे, नहीं तो यहाँ 10C3 तो यहाँ 15 लिखेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो हमेशा जिसका सिलेक्शन नहीं करना है उसको ऐसे ही मत छोड़ो, जीरो का सिलेक्शन कर रहे हैं ऐसा हम लिखेंगे। अच्छा 10C3 तो 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 10 3 3 मतलब 6, 7 फैक्टोरियल, ओके तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे ये आ रहा है 120 इंटू 1 डिवाइड बाय 455। चलिए अब प्रॉब्लम सर एक ही है कि सर आपने ये डायरेक्टली जो लिखा है उसका कैलकुलेशन बता दीजिए, हो सकता है आप भूल भी गए हो, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम ये कैलकुलेशन शो कर रहा हूँ, उसके बाद आप समझ जाओगे। देखो NCR का फॉर्मूला है N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब जैसे कि पहले मुझे सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन में, मतलब हर रिक्वायरमेंट में 15C3 तो है ही, तो एक बार मैं पहले 15C3 सॉल्व कर दूं। चलिए 15C3 इसका मतलब होता है 15 फैक्टोरियल, R की जगह पर 3 है तो 3 फैक्टोरियल, और N माइनस R मतलब 15 माइनस 3 जिसका मतलब होगा 12 फैक्टोरियल। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 12 फैक्टोरियल तक मैं 15 को एक्सटेंड करूं तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, और डिवीजन में 3 फैक्टोरियल के लिए तो मैं डायरेक्टली 6 लिख दूं और 12 फैक्टोरियल, अब ये 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेटर का आप यूज करोगे 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइड बाय 6 तो आपको आंसर मिल जाएगा 455। सपोज मुझे दूसरा एक कैलकुलेशन करना है वो है 10C2, तो हम करेंगे 10C2, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल, 10 को मैं एक्सटेंड करके 8 फैक्टोरियल तक ले जाऊंगा, मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अच्छा 2 फैक्टोरियल के लिए मैं 2 लिख दूं और 8 फैक्टोरियल ये कैंसल 90 बाय 2 तो ये होने वाला है 45। फिर 5C1 वो तो ओरली हो सकता है कि 5C1 इज ऑलवेज 5, फिर भी लिख लेते हैं 5C1, 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 इंटू 4 फैक्टोरियल ये कैंसिल कर देंगे तो यहां बचेगा 5। 10C1 तो वही होगा, 5C1 जो है 5 है तो 10C1 भी 10 होगा, और 5C2 का कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए 10C1 भी बता देते हैं, 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 इंटू 9 फैक्टोरियल
ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 10। चलिए फोर्थ के बाद फिफ्थ वर्किंग 5C2। 5C2 के लिए 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। चलिए मैं इसको एक्सटेंड करूं तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का 2 × 3 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा 20/2 मतलब 10। एक और कैलकुलेशन है यहाँ पर और वो कैलकुलेशन है 10C3। तो 10C3 का भी मैं कैलकुलेशन शो कर दूं, 10C3 इज 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। एक्सटेंड करें तो 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 × 7 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा भाई, ये बचेगा 120। 10 × 9 × 8 डिवाइड बाय 6 और 5C0। अच्छा ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ये ओरली याद रखने की चीज है, फिर भी 5C0 इज 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर 1 रहेगा। इसके साथ साथ आप ये सब वर्किंग मैंने शो किए या आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको रफली कैलकुलेट कीजिए या ओरली कैलकुलेट कीजिए, आपको सीधा आंसर ही लिखना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कॉम्बिनेशन के जो रूल्स है ठीक है उसको भी एज अ नोट एक बार आप लिख लीजिए। एक काम कीजिए, ये जो वर्किंग किया हुआ है और ये क्वेश्चन है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन लेने से पहले आप कॉम्बिनेशन के कैलकुलेशन थोड़े क्विकली कर सको उसके लिए मैं कुछ नोट दे रहा हूं, वो आप लिख लीजिएगा। ये रूल आप सबके पास होने चाहिए, जैसे कि फर्स्ट NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सेकेंड, याद रखो NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCn माइनस r। दोनों के एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे NCR मैं ले रहा हूं सपोज 10C8, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 8 मतलब 2 फैक्टोरियल। क्या आंसर आ रहा है वो बात की बात है, सिर्फ मुझे ये फॉर्मेट जो है फॉर्मूला है वो एक्सप्लेन करनी है। इसका मैं एग्जांपल ले सकता हूं कि NCR इक्वल्स टू NCn माइनस r, मतलब 10C8 का जो आंसर होगा वही 10C10 माइनस 8 मतलब 2। सो NCR इक्वल्स टू NCn माइनस r मतलब 10C8 इक्वल्स टू 10C2, या आप बोल सकते हो कि 5 को छोड़ो 100C4 इक्वल्स टू 100C96, क्योंकि 100 माइनस 4 96 होता है, ये हमेशा मैच होगा। तीसरा एक रूल आप ऐसा याद रखो इसी के बेस पर कि NC1 जो होगा वही NCn माइनस 1 होगा। NC1 और NCn माइनस r ये रूल के हिसाब से ये सेम होंगे और इनका आंसर हमेशा n ही होता है। जैसे कि 5C1 बोलो या 5C4 बोलो वो तो एक ही है, लेकिन इसका आंसर हमेशा 5 आएगा। सेम वे 10C1 इक्वल्स टू 10C9 इक्वल्स टू 10, 100C1 इक्वल्स टू 100, 100C99 इक्वल्स टू 100, ऐसा मान के चलते हैं। एंड फोर्थ, NC0 इज ऑलवेज इक्वल टू NCn एंड दैट इज इक्वल टू 1। कुछ एग्जांपल ले, सपोज 5C0 तो वो भी 1 होगा और 5C5 तो वो भी 1 होगा ठीक है। ऐसे ही 10C0 1 होगा
टेंसी 10 करो तो भी 1 होगा। तो ये रूल है एनसी 0 ऑफ कोर्स इक्वल्स टू एनसी एन, क्योंकि एनसी एन माइनस 0 भी एन ही होगा, तो ये रूल के हिसाब से ये दो इक्वल है और इनका आंसर हमेशा 1 आता है। तो आप ये चार चीजें अपनी नोटबुक में लिख के रखिए, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम नए क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 10 ब्लैक बॉल्स, 3 बॉल्स आर टेकन आउट एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन में पहले जो इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट कर दो, थिंग्स गिवन क्या है भाई, 5 व्हाइट एंड 10 ब्लैक बॉल्स इन अ बैग। तो एक बैग बना देते हैं जिसमें 5 व्हाइट और 10 ब्लैक बॉल है, और ये बैग भी हमने ड्रॉ कर दिया, ये बैग है, और इनमें से हमें 3 बॉल लेने हैं, ओके। और 3 बॉल क्या होने चाहिए, तो रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक, प्रोबेबिलिटी दैट 3 बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक, ओके। जिसकी प्रोबेबिलिटी है उसको इवेंट बना दो, लेट इवेंट ए 3 बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, 3 बॉल लेने, तीनों ब्लैक है, मतलब व्हाइट में से एक भी नहीं लेना है, तो मैं लिखूंगा 5C0, एंड ब्लैक में से 3, मतलब ब्लैक 10 है उसमें से 3, एंड के लिए मल्टीप्लीकेशन, हाँ टोटल ये 15 बॉल है उसमें से कोई भी 3 ले सकते हैं, मतलब 15C3। सो 5C0 1, 10C3 हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही कैलकुलेट किया था 120, एंड 15C3 455। तो आपका आंसर है P ऑफ A इज 120 अपॉन 455। कोई बोलेगा सर इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं ये फ्रैक्शन को, हाँ रिड्यूस कर सकते हैं, करो ना करो इससे कोई मार्क्स नहीं कटेगा, हाँ आप रिड्यूस करो और गलत आंसर निकाला तो मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि रिड्यूस करना नहीं करना अपनी चॉइस है, ओके। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में हम एक नए क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट 5 रेड 6 ग्रीन बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ व्हाइट अ रेड एंड अ ग्रीन, मतलब एक एक बॉल लेना है हर कलर का, इज ड्रॉन। वेरी सिंपल टास्क, चलिए अभी आपको पता चल जाएगा। थिंग्स गिवन क्या दिया हुआ है, अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट 5 रेड 6 ग्रीन बॉल, ये बैग भी बना दिया हमने, चलिए इनमें से 3 बॉल हम लेने वाले हैं और वो कौन से होने चाहिए, तो वो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट अ व्हाइट अ रेड एंड अ ग्रीन बॉल इज ड्रॉन, अ व्हाइट अ रेड एंड अ ग्रीन बॉल इज ड्रॉन, ठीक है। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसी को इवेंट बना देते हैं, लेट इवेंट ए अ व्हाइट अ रेड एंड अ ग्रीन बॉल इज ड्रॉन, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, एक व्हाइट, व्हाइट 4 है तो 4 में से एक, एंड रेड में भी एक मतलब 5C1, एंड ग्रीन में से एक मतलब 6C1, डिवाइड बाय टोटल 6 + 4 = 10 + 5, 15 में से 3, चलिए 4C1 इज 4, 5C1 इज 5 एंड 6C1 इज 6, 4 × 5 × 6 ये हो जाएगा 120, और ये तो मालूम ही अभी हमने कई बार किया है, तो 455। तो आपका आंसर है 120 अपॉन 455। इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा टास्क था, ठीक है।
अभी भी एक क्वेश्चन करते हैं तो क्या है, ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 400 बोल्ट्स आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बोल्ट सिलेक्टेड एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स इज नॉट डिफेक्टिव। एक ही बोल्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले मेरे प्रेजेंट कर दे सिचुएशन को। गिवन अ बॉक्स कंटेन्स 400 बोल्ट्स आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, इसका मतलब बाकी के 380 नॉन डिफेक्टिव होंगे और ये बॉक्स भी बन गया। देखो 400 में से 20 डिफेक्टिव है, प्लीज आप ऐसा मत करना कि 400 और 20 डिफेक्टिव 400, ऐसा नहीं है। आउट ऑफ 400 20 आर डिफेक्टिव, सो रेस्ट 380 आर नॉन डिफेक्टिव। तो बॉक्स की पोजीशन ये होगी 20 डिफेक्टिव एंड 380 नॉन डिफेक्टिव, और इनमें से आप एक ही बोल्ट को सिलेक्ट कर रहे हो और वो नॉन डिफेक्टिव हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट में ये है कि रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटी दैट अ बोल्ट सिलेक्टेड इज नॉन डिफेक्टिव। ओके, तो जिसकी इवेंट, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछे उसी को इवेंट बना दो। लेट इवेंट ए, अ बोल्ट सिलेक्टेड इज नॉन डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? एक ही बोल्ट लेना है और वो नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, मतलब डिफेक्टिव 20 है उसमें से एक भी नहीं, और नॉन डिफेक्टिव जो 380 है उसमें से एक, हाँ टोटल 400 में से भी एक का ही सिलेक्शन करना है। 20C0 का मतलब 1 होगा और 380C1 का मतलब होगा 380, तो 1 × 380 ये हो जाएगा 380 डिवाइड बाई 400, C1 मतलब 400, और इसको सपोज मैं रिड्यूस भी करूं तो 19/20, ये इजी है तो मैंने रिड्यूस कर दिया। अच्छा, यहां पर एक डिस्कशन का पॉइंट बनता है, मैं बोलूं कि जब आप एक ही आइटम का सिलेक्शन कर रहे हो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जैसे कि 20 डिफेक्टिव है, 380 नॉन डिफेक्टिव है, आपको नॉन डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो फेवरेबल 380 टोटल 400, लेकिन एक ही आइटम का सिलेक्शन हो, सिंगल सिलेक्शन हो सिंगल आइटम का, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो क्योंकि वैसे भी ये 0 20C0 1 होगा, तो ये फेवरेबल 380C1 380 होने वाला है और 400C1 400 ही होने वाला है। तो सपोज आपके पास 500 आइटम्स है उसमें से 10 डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10 फेवरेबल आउट ऑफ 500, सो 10/500 आप डायरेक्टली बोल सकते हो। ऐसा डायरेक्टली लिखने का राइट है आपके पास, लेकिन तभी ये पॉसिबल है जब आप सिंगल आइटम का सिलेक्शन करते हो। हाँ, दो आइटम ले और दो डिफेक्टिव हो, या तीन आइटम ले और तीनों नॉन डिफेक्टिव हो, ऐसा है तो कंपल्सरीली कॉम्बिनेशन फॉर्मूला का यूज करना ही पड़ेगा। तो सिंगल आइटम का सिलेक्शन हो तो कॉम्बिनेशन फॉर्मूला का यूज करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी चॉइस से जा सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस फ्यू होमवर्क क्वेश्चंस विल बी देयर, ठीक है, देखते हैं क्या है होमवर्क। होमवर्क होगा आपका अप टू क्वेश्चन नंबर 18 आपको होमवर्क करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।